नमस्कार, आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले कट तक ना पहुंच पाए तो व्यक्ति के पास जीवन में उसे अप डाउन का सामना करना पड़ता है, यानी उसका जीवन एक समान रूप से नहीं बीतता है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना उसे अवश्य करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि की कोई कमी नहीं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपकी भाषा शैली की तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, साथ ही साथ आपकी याददाश्त भी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जाती है। वर्तमान की स्थिति में इसका सबसे ज़्यादा जो पीड़ित पर्व है वो है इसका प्रथम पर्व। यानी प्रथम पर्व जब पीड़ित हो या सम्मान की बात करें तो वो ठीक है, कुल मिलाकर शनि के साथ उंगली चिपकी हुई है, माता पिता की सेवा भी की है। लेकिन यहाँ पर जब ये प्रथम पर्व पीड़ित हो जाए तो ये होता है व्यक्ति को मानसिक चिंता, बीपी जैसे रोग, साथ ही साथ बात बात पर क्रोध आना। तो इस तरह की बातों से आपको अब थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण में रखकर चलना पड़ेगा। किसी बात पर ज़्यादा क्रोध ना करें, साथ ही साथ मानसिक पीड़ाओं से, उद्वेगों से आपको बचना है इस प्रकार का। और जब यहाँ पीड़ित हो तो थोड़ा आई साइड के चश्मों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी आँखों की आँख भी बनवानी पड़ जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपको सीधा सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। प्रथम पर्व दूषित, द्वितीय पर्व दूषित और तृतीय पर्व पर भी कुछ इस क्रेसिस के निशान हैं। यानी कुल मिलाकर के जो धन संबंधी जो स्थितियां हैं वो लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं और साथ के साथ स्वास्थ्य भी लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। इस प्रकार देखिए, शनि की उंगली से देखा जाता है घुटनों के दर्द के लिए। शनि 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 यानी धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे जो आक्रमण शरीर पर करता है उन रोगों को कहते हैं। तो यहाँ जोड़ों के दर्द के लिए विशेष रूप से इस शनि के पर्वत को और इन शनि की उंगलियों को देखा जा सकता है। तो आने वाले समय में आपको जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ पर पर्वत पर भी है और आपका सवाल भी है। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ और साथ ही साथ जो धन की स्थिति है वो लगातार अब कमज़ोर पड़ने वाली है। आइए बात करते हैं इसके बाद एक दूसरी उंगली के बारे में। इसको बोलते हैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर भी कट है, यानी कि या तो पत्नी होती ही नहीं है या पत्नी होती है तो उसका सहयोग ना के बराबर होता है, यानी वो स्वयं ही अपना बोझ नहीं उठा पाती है। प्रथम पर्व यहाँ पर्व कहलाता है मानसिक पर्व, लेकिन कि ये बृहस्पति का पर्व है। तो बृहस्पति का पर्व जो होता है वो जाना जाता है ईश्वर की कृपा के लिए। और साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता पर जब ये चिन्ह लग जाएं तो इसको कहते हैं कि भाई जो ईश्वर की कृपा है उसमें कमी है कहीं ना कहीं। और वर्तमान में अगर ऐसा कहें कि थोड़ा सा जो पूजा भाट पाठ है वो आपकी उस तरह पूरी ईश्वर की कृपा पर बरस नहीं रही है, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बृहस्पति की उंगली का फल है। अब बात करते हैं बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत, और जब बुद्ध का पर्वत यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं वो जो हैं वो सब रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति के पास है अच्छे खासे आज भी धन के आगमन है। यानी कुछ भी है तो उसके पास धन के आगमन अभी भी हैं, साथ ही साथ संतान भी, ऐसे व्यक्ति के पास संतान सुख सहयोग भी होता है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और ये बेहतरीन रेखाएँ जब आपके पास खड़ी हो जाएँ तो ये वो रेखाएँ हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप राज्य सरकार से संबंधित जो अगर कोई पिछले टेंडर्स आए हैं, कोई चीज़ आए हैं तो उनका लाभ आपको मिला होगा। साथ ही साथ सम्मान क्षेत्र भी आपका काफ़ी अच्छा रहा है। परंतु यहाँ थोड़ा बहुत जब रेखाएँ ज़्यादा कट जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है, अपने जीवन में भाग दौड़ ज़्यादा रहती है, यात्राएँ काफ़ी कर लेता है। आइए बात करता हूँ शनि के पर्व की। बहुत बेहतरीन रेखाओं के रूप में सूर्य पर्वत से भी रेखाओं ने शनि पर्वत को देखा, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके कमाया। और साथ ही साथ ये वो पक्की रेखाएं जो आपको आजीवन धन का आगमन दिलाती रहेंगी, तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूती के साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर शनि पर्वत अपना आप में सही है, धन की तो आप चिंता ना करें, आखिर तक आपके पास रहेगा, आपके सब कार्यों को संपूर्ण करता रहेगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। सम पर्वत बृहस्पति, अगर कोई रेखा ना भी हो मान लिया तो ये, हालांकि ये रेखा नीचे से खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के पास ट्रायंगल बना करके, तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका अपना मकान होता है। साथ ही साथ ऊपर बृहस्पति पर्व यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये अपने आप में दो रेखाएँ जा करके शनि पर्वत को भी देखती हैं। तो कुल मिलाकर जो पूजा पाठ की बात करते हैं तो वो अपने आप में ठीक है, बहुत बड़ा दान पुण्य कोई नहीं दिखाई दे रहा।
आइए बात करता हूँ इसके बाद में हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर, यहाँ इधर भी बीच में दीप बना कुछ, यहाँ पर गिरने वाली रेखा है, यानी मैं समझता हूँ ये जीवन में जब ये दीप रहा है तो रोग तो पिछले समय में भी आपको परेशान करते रहे हैं। जब ये दीप होता है तो ये मन के अंदर कुंठा को भी दर्शाता है, यानी मैं अगर इसको देखता हूँ तो लगभग 32 वर्ष से लेकर के लगभग लगभग 45 वर्ष तक का जो आपका समय रहा होगा उस समय भी काफ़ी संघर्ष आपने किया होगा उस समय को दर्शाने वाला। हो सकता है उस समय रोग का या किसी प्रकार के संघर्ष का सामना आपको करना पड़ा हो, इस प्रकार का पिछला चिन्ह है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखता हूँ तो हृदय रेखा पर कोई ज़्यादा बोझ नहीं है, यानी कि यहाँ कोई बहुत बड़े रोग के हृदय से संबंधित प्रश्न नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। आज मंगल रेखाओं की बात करें, अभी भी ईश्वर कृपा से वो मंगल रेखाएँ हैं, यानी कर्म रेखा जिनको मैं बोलता हूँ, यानी कि कर्म करने की शक्ति आज भी आपके अंदर है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। तो यहाँ पर ये मंगल रेखाएँ होना भी जरूर अनिवार्य है, ये नहीं होती हैं तो व्यक्ति बिल्कुल निकम्मा को बैठ जाता है। इससे निकलने वाली रेखाओं का संबंध बुध पर्वत से बना है या शनि पर्वत से बना है, आपने मेहनत की है और मेहनत के द्वारा आपने आपको बनाया, काफ़ी मेहनत की आपने। चलिए अब बात करते हैं सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जब यहाँ से थोड़ा सा उठ करके चले, यानी थोड़ा सा हृदय रेखा की तरफ उठ करके चले, तो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। साथ ही साथ मंगल पर्वत तक जब ये रेखा पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में धन के साधन पैदा करता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा काम आपका रहा जिसकी सप्लाई दूर दूर तक रही, या आप दूर दूर तक यात्रा करके अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के साधन बनाए आजीविका के, तो इस तरह का सिग्नल यहाँ पर आपकी इन रेखाओं के द्वारा प्राप्त होता है। जब तो बात करता हूँ वर्तमान में, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि भाई कोई झगड़ा झंझट मुकदमा की, तो इस तरह का कोई बहुत छोटी मोटी कोई चीज़ कह सकते हैं, वैसे कोई ऐसा रोग नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत थोड़ा बोडा छिटक करके चलने वाली चंद्र पर्वत जब इस प्रकार से दिखता है तो थोड़ी बहुत कह सकते हैं मानसिक चिंतन है, कोई बहुत बड़े मानसिक चिंतन को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है। आइए बात करते हैं एक और रेखा के बारे में, इसको बोलते हैं यहाँ पर व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है, यहाँ कुल मिलाकर जब व्यापारिक रेखा बुध पर्वत के साथ संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण होता है और व्यापार के द्वारा वो दूर स्थानों से जुड़ करके धन भी कमा सकता है, ऐसी स्थितियां आपके हाथ के अंदर रही हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी एक चंद्र पर्वत से निकल करके रेखा शनि पर्वत को पहुँच रही है। पहले इस रेखा को देख लीजिए, जब चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके और शनि पर्वत को पहुँचे तो सीधी सीधी बात हो गई कि व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके उसका भाग्य बनता है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ एक यहाँ दूसरी रेखा जो निकल रही है वो नीचे यहाँ पर दो ट्रायंगल बना करके चल रही है, यानी कि ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति का जो काम हो वो पैतृक काम भी हो सकता है, यानी पैतृक संपत्ति से संबंधित, और उसको 35 तक आपने चलाया और उसके साथ साथ फिर दूसरा एक नया उद्योग किया आपने, तो वो थोड़ा पहले से कर दिया होगा और फिर उस काम को पूरी तरीके से आजमा करके अपने जीवन के आखिर समय तक आप चले गए। तो ये इस तरह की रेखाएँ यहाँ भाग्य रेखा और इनमें दूर का संबंध जरूर आ रहा है। तो चलिए, ये आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ पर थी। तो कुल मिलाकर के अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और वर्तमान की स्थिति में ये सपाट शुक्र पर्व, उम्र 70 साल की हो गई है तो शुक्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है जितना ये सपाट होता जाता है जीवन के अंदर व्यक्ति के पास उतना, अगर कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है, कोई दूषित चिन्ह नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन के संसाधन ठीक होते हैं। तो चलिए, ये भी आपका हो गया। संतान रेखा आपके हाथ से चमक नहीं रही है तो वो पत्नी के हाथ से पता चलती हैं। आइए बात करते हैं आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा मणिबंध को छू गई, यानी कि यहाँ पर निश्चित रूप से, और साथ में कवरेज रेखा भी है, यानी कि मंगल कवरेज रेखा जब हो तो व्यक्ति के जीवन के जितने समय तक, यानी बुढ़ापा इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है कि किसी भी प्रकार का कोई रोग का इंडिकेशन ना हृदय रेखा से दिखाई दिया, ना ही कोई मस्तिष्क रेखा पर थोड़ा पीड़ित लगी है टेंशन से, बाकी किसी भी तरीके से बुढ़ापा पूरी तरह सुरक्षित है। जहाँ तक मैं आयु रेखा को पढ़ता हूँ, अभी वर्तमान में 82 वर्ष की है और आगे भी रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ आयु रेखा इस प्रकार से है। अब मैं आपके सवालों के जवाब ले लेता हूँ। सबसे पहले आपने कहा विदेशी प्रवास रहने का योग,
बिल्कुल रहने का योग नहीं है। विदेश की यात्राओं का योग बहुत था, पहले भी दिखाई दिया, दूर दूर से क्षेत्रों तक यात्रा करना या अपने ही देश में बहुत बहुत दूर की यात्राओं करना, दूर दूर के लोगों से जुड़ना और उनसे संसाधन बनाना, साधन बनाना, ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर थी। आगे भी यात्रा आप विदेश की कर सकते हैं, लेकिन प्रवास वहाँ पर रहने का नहीं है। आयु रेखा आपकी 82 साल वर्तमान में है, आगे भी ये बढ़ती रहती है। इसके बाद आपने कहा तांत्रिक साधना दुर्गा भैरव करता हूँ। शनि पर्वत इस समय पर ज़्यादा पीड़ित था, उंगलियों में, उंगलियों से ही लग रहा था, क्योंकि प्रथम पर्व जो था यहाँ से नहीं दिख रहा, ये जो पर्व पीड़ित है, जब ये प्रथम पर्व शनि का पर्वत पीड़ित होता है मानसिक रूप से, तो ये बृहस्पति की पूजा को पीड़ित कर रहा है, यानी बृहस्पति की पूजा तो नहीं, तांत्रिक पूजा की तरफ आपका ध्यान है। तीनों पर्व जो है वो मानसिक स्थिति से पीड़ित है, यानी कि तांत्रिक पूजा के लिए देखा जाता है ये इस चीज़ को। तो कुल मिलाकर ये आप साधना करते हैं और आगे भी शुरू रख सकेंगे, इस बात के लिए आप पूछ रहे हैं। अभी तो हाथ के अंदर वो उंगलियाँ बने चिन्ह बता रहे हैं कि आगे भी आप इसको शुरू रख सकेंगे, तो इसको लिए कोई ऐसी बात नहीं है, करते रहिएगा। और बहुत ही, क्योंकि ये साधना असाध्य होती है, तो बड़े प्रेम से पूर्वक कीजिएगा, किसी गुरु के संरक्षण में तो आपने निश्चित रूप से की ही होगी, वरना 70 साल की आयु को छूना तांत्रिक विद्या के साथ असंभव है। अगर गुरु नहीं होता तो फिर बहुत दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए, ऐसा यहाँ चिन्हों से मैंने सिर्फ इसके बता आपको कर सकते हैं और बिल्कुल संसार का कल्याण भी कर सकते हैं। आपने कहा मेरे पास औषधि फार्म था लेकिन वो तकलीफ़ की वजह से बेच दिया, क्या दोबारा बना सकूँगा? अभी मैं यहाँ पर जब देख रहा हूँ आपकी रेखाओं को, तो कहीं पर भी किसी भी चीज़ के दोबारा बनने के योग नहीं है, यानी कि भाग्य रेखा साथ दे रही हैं, अच्छा पैसा भी रहेगा, संसाधन भी रहेंगे, लेकिन अब कोई संपत्ति बनाने के योग यहाँ पर नहीं है। या अगर आपके पास संपत्ति है तो उसमें आप इतना एनर्जी नहीं दे पाएंगे जिसके कारण आप औषधि के अपने उस फार्म को चला सकेंगे। आपने कहा घुटने का दर्द है, ऑपरेशन करवाना नहीं करवाना चाहता, क्या नैसर्गिक प्रयोग दवाओं से ठीक होगा? देखिए सर, यहाँ शनि पर्वत पीड़ित, यानी कि कहीं ना कहीं से रोग है, ठीक है सर, वो मैं पहले भी बता चुका। अब जहाँ तक सवाल है, आपने कहा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, देखिए आप मेरे से खैर उम्र में बड़े हैं, मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव छोटा मोटा है वो उसको बताता हूँ। जब आप 70 साल की एज में हैं तो अब देश काल पात्र की हवा बिल्कुल बदल चुकी है। आज औषधियाँ, आज दवाइयाँ, आज मेडिकल साइंस बहुत ऊपर तक पहुँच चुकी है, और जो मेरी जानकारी में पिछले 10 वर्षों से लोग ऑपरेशन करा करके आए, मैं तो एक भी ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसका ऑपरेशन असफल रहा हो। तो ये तो ऑपरेशन से डरे नहीं, ऑपरेशन करवा लें, जीवन स्वस्थ रखने के लिए घुटने अनिवार्य चीज़ है, उसको करा लीजिए। और दर्द कितना, एक महिला एक बच्चे को पैदा करने में जितना पीड़ा करती है उसका भी आधा दर्द, यानी दर्द ना के बराबर है, और इसको आप करवा लें तो आपका जीवन में और अच्छी सुचालता बनेगी, आप अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी सकेंगे, शायद परमात्मा की ऐसी इच्छा, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं उपाय में आप, क्योंकि तांत्रिक विद्या करते हैं और जो दुर्गा भैरव की पूजा करता है उसको कोई पूजा बताना मेरे लिए अतिशोक्ति होगी। माँ की आप पर कृपा बने, भैरव बाबा की आप पर दया बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।